अभी हम भवानी शंकर गुफा के अंदर, तो चलिए आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। अभी हम गुफा के अंदर हैं और पीछे आपसे भगवान की मूर्ति देख पा रहे हैं। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आप भी गढ़ी कैंट साइड देहरादून की ओर आएँ तो आप टपकेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। तो ये टपकेश्वर मंदिर का गेट है और ये पीछे पार्किंग, तो यही गाड़ी खड़ी कर रखी है। यहाँ पर जो है मैं मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं आया, जहाँ से कि सीढ़ियाँ लगातार मैं जो है पार्किंग से होते नीचे क्यों आया हूँ, तो वहाँ से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो पार्किंग से होते हुए वहाँ पर जो है लिफ्ट भी है, जहाँ पर लगभग 20 रुपये चार्ज लेते हैं वो एक आदमी का जाने के और आने के 20 रुपये। ये रहा टपकेश्वर महादेव मंदिर का द्रोण द्वार, प्राचीन द्वार है ये। और यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर, वहीं पर गुफा भी है। और ये नदी देख पा रहे हैं, ये है तमसा नदी। और यहाँ पर रोज़ जो है सैकड़ों श्रद्धालु अपनी अलग अलग मन्नतों को लेकर यहाँ पर टपकेश्वर महादेव में पहुँचते हैं। और यहाँ पर टपकेश्वर महादेव की गुफा भी है, जहाँ पर जो है लगातार शिव की जो शिवलिंग है उसके ऊपर लगातार जो है पानी टपकता रहता है, इसीलिए यहाँ का नाम टपकेश्वर महादेव नाम पड़ा है। और शिवलिंग को जो है ढकने के लिए रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है और शिवलिंग के चारों तरफ जो है रुद्राक्ष की माला जो है लपेटी गई है। तो ये है मुख्य गुफा के अंदर जाने का रास्ता, जहाँ पर शिव का मंदिर है। अब चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं आपको अंदर से। तो मैं यहाँ पर गया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ। ये देखिए ये पूरा पर्वत है और मुझे ये समझ नहीं आया कि वाइट कलर पर्वत का है या वाइट कलर इसे लगाया गया है, ये समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ जो है गर्मियों के टाइम देखो काफ़ी उमस हो रही थी, बोले ठंडक भी थी लेकिन उमस बहुत हो रही थी, क्योंकि एकदम बंद है चारों तरफ से और अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी लगी पड़ी हैं। और जो है बहुत सारे श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो हम भी अंदर का वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंधित था वीडियोग्राफी। तो अब लिए चलते हैं आपको तमसा नदी के ओर, वहाँ पर आप स्नान वगैरह कर सकते हो। तो चलिए लिए चलते हैं नदी की ओर आपको। आजकल जो है नदी का पानी एकदम मटमैला सा हो रखा है। मटमैला क्यों है कि बारिश हो रही है पहाड़ों में और सारी मिट्टी जो है बह के आ रही है नदी में, तो नहाने लायक तो आजकल इतना ये पानी है नहीं। फाइनली यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं गढ़ी कैंट साइड आ ही रखा था, तो सोचा यहाँ पर जरा दर्शन करके आ जाऊँ। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और अभी आपको कुछ और चीज़ें भी बताने के प्रयास करते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। फिलहाल यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो, क्योंकि यहाँ बगल पर चल रही है नदी। कैमरे में शायद साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, जो नदी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई नदी है। और बारिश की पानी, मतलब आजकल बारिश का सीज़न है तो पानी थोड़ा मटमैला सा हो रखा है, ऐसा क्लीन रहता होगा, साफ रहता होगा, लेकिन पानी आजकल आप देख सकते हो पीछे मेरे मटमैला सा पानी हो रखा है और मेरे पर पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। गर्मी ऐसी हो रही है, क्या करें। लेकिन गुफा के अंदर जो है गर्मी थोड़ा कम है। और यहाँ के पहाड़ों पे तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बने पड़े हैं, छोटे छोटे, मतलब तरह तरह के। आप गौर से देखेंगे तो देखते रह जाएंगे अंदर भी और बाहर भी। तो आप अगर यहाँ आए तो आपको
बहुत अच्छा लगेगा। आप गढ़ी के एंड साइड आए तो इस मंदिर के दर्शन आप ज़रूर करें, मेरी आपसे ये अगर आप आएंगे तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करिए। आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। नीचे से ऊपर से चलते हैं, ऊपर से लिया जाता है आपको उधर की साइड। यहाँ के पत्थरों को आप गौर से देखेंगे तो पत्थरों पर जो है अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई दिखाई पड़ेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सामने आपको माता वैष्णो देवी योग गुफा जो आपको दिखाई दे रही है उधर की ओर लिए चलते हैं। अब यहाँ सीढ़ियों से तो भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन आपको दूसरे ही रास्ते लिए चलते हैं सामने की ओर। अब जो है आपको लिए चलते हैं माता वैष्णो देवी के एक छोटी सी गुफा की ओर, जहाँ पर आपको गुफा के दर्शन करवाएंगे। अब वहाँ भी जो है फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसा है वहाँ पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाले बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको और बेहतरीन और सबसे जल्द प्राप्त हो सकें। तो चलिए वैष्णो देवी गुफा की ओर आपको लिए चलते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा यहाँ पर, लेकिन समय की कमी के कारण मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ा। ये देखिए, यहाँ आप फोटोशूट बहुत अच्छी तरीके का कर सकते हो। और हम प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और आपको लिए चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं अंदर के अलग अलग सुहाने दृश्य, जिनको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप भी बोलोगे माता वैष्णो देवी की जय। तो ये कलाकृतियाँ काफ़ी शानदार बना रखी हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई और इनके साथ एक दो सेल्फी भी ली अपन ने। ये अंदर प्रवेश द्वार, काफ़ी साज सज्जा काफ़ी अच्छी तरीके की रखी गई है यहाँ पर। सामने जो आप देख पा रहे हो ये लिफ्ट है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नीचे आने के लिए यहाँ पे उतर सकते हो। और ये भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ पर, और अब आपको लिए चलते हैं माता वैष्णो देवी गुफा में। ये देखिए,
ये जो है गुफा से बाहर आने का रास्ता है, और मेन जगह पे आपको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वहाँ पर जो है वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी। भले ही कोई लोग फिर भी बना रहे थे, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाना उचित नहीं समझा वहाँ पर। बाकी जब आप आएँ तब तो आपको दर्शन करने को मिल ही जाएगा। और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बना रखी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है दूर से। और एक यहाँ पर और छोटी गुफा है, चलिए आपको लिए चलते हैं उसी के अंदर। गर्मी भी